जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अजय सिंह राहुल पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले दिनों अजय सिंह ने जो गलत शब्दों का प्रयोग भाजपा महिला प्रत्याशी के लिए किया है वह भारत के नारियों का अपमान है। नारियों का अपमान देश की जनता नहीं सहेगी। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने भ्रष्टाचार पर कमलनाथ और कांग्रेस की जमकर खबर ली। मोदी ने कहा कि यहां से नोटों से भर भर कर तुगलक रोड के घर भेजे गए। सीधी जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान मध्य प्रदेश के सभी बड़े नेता मौजूद थे, जिन्होंने प्रत्याशी रीति पाठक सहित अन्य लोग भी शामिल रहे। इस दौरान काफी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता सभा स्थल पर पहुंचे। पिछले दिनों मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी लोगों के घर पड़े आयकर छापों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तंज भी कसा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार की ही शिष्टाचार है। उन्होंने कांग्रेस सरकार के जमाने में हुए भ्रष्टाचार और कमलनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के कर्ज माफी योजना पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने करीबियों को फायदा पहुंचाने के लिए कर्ज माफी कर रही है। मध्य प्रदेश के आदिवासी बच्चों के लिए प्रसूता माताओं के लिए भारत सरकार पोषण आहार के लिए दिल्ली से पैसा भेजती है। इसका पैसा भी कांग्रेस ने तुगलक रोग घोटाले के जरिए हड़पा और फिर यही पैसा नामदार के प्रचार में लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सीधी सहित ये पूरा क्षेत्र पावर हब रहा है। बिजली के बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पर है। आपका ये चौकीदार सौर ऊर्जा पर बल दे रहा है। पूरी दुनिया में सौर ऊर्जा के लिए हम जो अभियान चला रहे हैं उसका एक अहम सेंटर हमारा ये क्षेत्र होने वाला है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपके आशीर्वाद से बहुत लक्ष्य हासिल हुए हैं और बाकी में उनको भी आपके ही सहयोग से पूरा करूंगा। जिस तरह से उन्होंने कमेंट किए भारत की नारी का उन्होंने अपमान किया है। गंगा गीता गायत्री है नारियां, सीता सत्ता सावित्री है नारियां, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है नारियां, जैसी टिप्पणी बहन रीति पाठक पे की बोलो आप स्वीकार करोगे क्या, ग्रहण करोगे क्या? और इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने देश की ताकत भराई है और इसमें भी मेरे युवा की बेटी मध्य प्रदेश की बेटी उसने भी देश का नाम रोशन किया। भाई बहनों, राष्ट्र रक्षा के लिए लड़ना, राष्ट्र रक्षा के लिए समर्पित होना सम्मान की बात है, लेकिन कांग्रेस के समर्थन से सरकार चला रहे एक मुख्यमंत्री ये सुनकर के आप चौंक जाएंगे। मुझे मालूम नहीं है नई सरकार बनने के बाद मीडिया वाले कुछ लिख पाते हैं, नहीं लिख पाते मुझे पता नहीं है। उनकी तकलीफ हो सकती है क्योंकि उनका नेचर ही ऐसा है, इसलिए शायद ये बात न भी छपी हो, आगे भी छपेगी नहीं तो भरोसा नहीं है। लेकिन मैं बता देता दुश्मनों की छाती से गोलियां डालने के लिए मां के पैर छू करके जो सीमा पर जाता है यूनिफॉर्म पहन करके दिन रात ड्यूटी करता है उसकी आंखें दिन रात दुश्मन को तलाशती रहती है। क्या ये भूखा मर रहा है इसे करो खाते में जला जाते हैं, अरे वो रोटी खानी है तो खुद फसल लात मार करके रोटी कमा सकता है, वो तो गोली खाने के लिए जाता है। भारत माँ की रक्षा के लिए जान की बाजी लगाने वाले जवानों का यह अपमान मध्य प्रदेश सहन कर सकता है? इसका जवाब मांगेंगे नहीं मांगेंगे, उनको सजा करेंगे नहीं करेंगे? भाई बहनों, ये चुनाव मौका है देश के इस प्रकार से अपमानित करने वालों को सजा करने का। सिंगरौली से ग्राउंड रिपोर्टर उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट।